वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज वंस अगेन एक बलिनो आई है, बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी लगी मेरे को। उसके जो स्टिकर्स वगैरह बड़े प्यारे हैं, तो मैं वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बताऊंगा। फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा काम है मैं वो आपको दिखा देता हूं। तो इसके अंदर लग रही वाली है 130 सिल्वेस्टर्स लगेंगी, यानी कि डेप बाउंस की 130 RMS की लगेंगी, जो रन करेंगे हमारे इंटरफायर पे। पैना साउंड का ये रन करेगा, हमारे बुलेट ट्यूटर या कोई भी ट्यूटर्स आ गया, या आगे हाइपरसोनिक की मिड रेंजेस वगैरह लगेंगी तो वो ये रन करेगा। सेपरेट सारी चीज़ें हो गई हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हाँ, अगर यू हैव अ मनी और यू हैव अ एम्पलीफायर्स कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो एक साउंड क्वालिटी बनना तय है, फिर तो वो मेरी गारंटी है। तो हमारे 4 स्पीकर्स इस पर चले जाएंगे, बाकी जो भी स्पीकर्स रहेंगे छोटे मोटे वो इस पर अलग से चैनल मिल जाएंगे। मोको का एम्पलीफायर है जो रन करेगा। 1200 RMS का हमारा सबवूफर है, मसाटे सीरीज का है, वो ये मोको हमारा रन करेगा। वहीं पे ही हमारे भाई की डिज़ाइनर वाइपर ऑडियो की, तो मैं इस स्पीकर से मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो वाइपर ऑडियो की हमारी सबवूफर बॉक्स है, जो उसी का ट्यून्ड करा गया है। थोड़ा लो पे ट्यून्ड रहती है, लाउड थोड़ा कहीं ना कहीं ये रहता है, लेकिन बढ़िया पेटी है, डिज़ाइन बाय वाइपर ऑडियो बहुत बढ़िया है। तो जो मैं बात कर रहा था भाई की बलिनो की, गोकू लगा रखा है भाई, थोड़ा लवर है। क्या कहानी हुई है इसकी भैया? बस बचपन से फेवरेट था ड्रैगन बॉल जी, ओके, तो इसलिए गोकू बनवा दिया यहाँ पे मैंने। बहुत बढ़िया लग रहा है, और अक्सर आपने रील्स में भी देखी होगी, तो ये पीछे से लाइट जब ब्रेक होती है तो ये अलग से आँख टमटमाता है, देखो करना भैया। तो ये चीज़ ये लाइट जलती रहती है। बीए के लॉ बिल्स भी बढ़िया लगे हुए हैं, फिलहाल ये स्टीकर हट गए हैं तो मैं चिपका दूंगा मेरे पास आइए तो। और ये चीज़ भी अच्छी लगी, यानी कि जब शीशा डाउन होगा मैं करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये डाउन गया तो लड़का फूल लेके हट गया, अब ऊपर करोगे तो ये आजकल बहुत चल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और भैया ने स्पीटर्स लगा रखे हैं, तो आगे भी पूरी गाड़ी में दिखा देता हूँ आपको। तो ये है, यहाँ पे भी है, उधर भी। तो ओवरऑल कहें तो बहुत प्यारी सी बना रखी है। और ये सैटन वाइट के अंदर हमारा इन्होंने छत और हमारा बोनट रैप कर रखा है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगी भाई। ये मैंने रील्स में बहुत देखी है, ये आज सामने भी आ गई। जो चीज़ आप रील्स पे देखो सामने आ जाती है ना, तो बहुत प्यारी लगती है, मतलब कि एक अच्छा महसूस होता है। फिलहाल बहरहाल हम करने वाले हैं इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड। तो मसाटे सीरीज जो मैंने आपको बोली थी, सिल्वेस्टर हमारी 130, पूरा बोर्ड यहाँ पे लगेगा, सारी वायरिंग पीछे आ रही है। अभी फ़िलहाल इनकी वायरिंग जो भी गटल पोस्ट था वो सारा हमारा इसके नीचे हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, तो पहले सीट के नीचे था, मैं ये नहीं कहूँगा सीट के नीचे मत लगाओ, अगर पीछे जगह नहीं है तो सीट के नीचे ही ऑप्शन बनता है, अगर जगह है तो हम सीट के पीछे लगाते हैं। और ये चीज़ भी देख सकते हो, बहुत अच्छा रैप कर रखा है भाई, ये पीछे भी है, चारों गेट पे अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया। तो फिलहाल चलते हैं, 6-7 घंटे लगने वाले हैं इस गाड़ी में, क्योंकि जो पुरानी वायर है सारी उतरेगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इस वायर को। मैं ये नहीं कहूँगा कहाँ से गाड़ी आई है, जिसने भी काम करा है अच्छा करा है, बी प्रोफेशनल किसी भी काम को वो मत बोलो, किस उसमें और हमें गाड़ी रेडी हुई क्या हुआ व्हाटएवर, मेरे पास आई है मैं अपना काम करके दूंगा। रेडार ऑडियो द्वारका आ सकते हो। तो 6-7 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि पूरा काम ये वायर है, तो इसको हम स्लीव्स में डालेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी चारों स्पीकर्स की वायर आ गई, और इसी के अंदर हमने रिमोट वायर भी डाली है। और ये पास में जब मैं स्लीव्स में डल जाएगी सारी वायरिंग, जब मैं कंप्लीट हो जाएगी, जब मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको, सबसे बड़ा काम ये होता है, कम से कम 1.5 घंटा इसके अंदर लग जाता है। और सबसे बड़े बेस्ट चीज़ है मेरा ओरा का, मेरा ही बोल दूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत आसानी हो गई इससे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक से। सिर्फ आपकी ग्राउंड और पावर वायर आनी है, उसके बाद में यहीं से हम सारी पावर वायर दे देते हैं, कोई घोच पोच नहीं वायरिंग का, कोई साइड से ज़्यादा वायर नहीं लेना। हमारी स्पीकर वायर एक तरफ हो जाएगी, हमारी पावर वायर एक तरफ हो जाएंगी। तो चलो चलते हैं, 6-7 घंटे बाद मिलते हैं। होने वाली बिक्री, और ये एसी चल रहा है, घूंघू बहुत करता है, बड़े को बहुत दिक्कत होती है, पड़ोसी है कोई बात नहीं। तो बिक्री होने वाली है, बिक्री में वायर MM का फ़र्क पड़ता है, अगर ये आपके सेटअप किस हिसाब से लगा हो तो उस हिसाब से मैं वायरिंग लगाता हूँ MM की, ज़बरदस्ती ठोकता नहीं हूँ, जैसा सेटअप है उस हिसाब से बिक्री का भी रहता है दोस्तों। फ्यूज़ लगेगा, और फ्यूज़ ज़रूर लगाएं, ओरा का इसके अंदर फ्यूज़ लगने वाला है, जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं दिखा देता हूँ। तो बिक्री हमारा अल्टरनेटर से पावर सीधा हमारी बैटरी पर जाती है, और एक ग्राउंड इंजन का रहता है, एक तरीके से बिक्री हमको बूस्ट दे देती है। एक मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, विदाउट बिक्री कितना वोल्ट डाउन जा रहा है, कितना वोल्ट दिखाता है, और बिक्री के बाद कितना वोल्ट आता है, तो एक ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं तो कर चुका हूँ प्रैक्टिकल हर गाड़ी में, बस दिखा नहीं पाता। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा कम्प्लीट करके दिखा दूँगा। अभी जो वायर्स हैं सारी ऐसी हो रखी हैं, तो इसको हम बाकायदा सारी प्रॉपर ठीक करके, फ़िलहाल तो
स्लीव्स के अंदर डालेंगे प्रॉपर, ताकि अगर इन फ्यूचर मेरे काम को कोई दोबारा अनइंस्टॉल करता है और दोबारा रीइंस्टॉल करता है, तो वो जो स्लीव्स हैं आपको बस डायरेक्ट उसने निकालनी है और वो दूसरी गाड़ी में लग जाएगी, या नया इंस्टॉल इसमें कुछ आएगा तो वो कर सकता है। तो मैं आगे फ्यूचर की भी सोचता हूँ थोड़ा सा, दूसरे बंदी की भी सोचता हूँ कि अगर बंदा भाई दूसरे शॉपकीपर पे जाता है, कुछ काम समझ में नहीं आता, तो उसको आसानी रहे। तो फिलहाल अभी ये सारा जंजाल है यार, जब ज़्यादा स्पीकर्स हो जाते इतना रहता है। मैं ये नहीं कहता कि कहाँ से क्या करके लाएँ, क्या है कौन नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा काम है, बढ़िया है, जो भी है। फिलहाल आप यहाँ भी देख सकते हो तो सारा, तो इसको हम नीट एंड क्लीन करके देंगे सारा प्रॉपर तरीके से, अपने तरीके से जो मैं करता हूँ अपनी वीडियोस वगैरह में, क्योंकि पहले मेरी शॉप नहीं थी तो अब शॉप है, तो इसका मतलब कि अब मैं, मुझे ही पता है कि मेरे को अपने कस्टमर को क्या चीज़ करके देनी है। तो चलो अभी चलते हैं, टाइम लगेगा इसको सारे चीज़ को करने में। सेटअप हो गया कंप्लीट हमारा, डेब बाउंस 1200 वाइपर ऑडियो की ट्यून पेटी, और ये भैया ने गोचू गोकू जो भी बना रखा है। पैनासाउंड हमारा चला रहा है हाइपरसोनिक की मिड्स जो आगे डैशबोर्ड पर लग जाती है। 555 चला रहा है हमारी 130 वोट RMS की चारों मिड रेंज। मोको चला रहा है हमारा ये, और आप और आगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक्स, और तरीके से सारी फिनिशिंग से सारी वायरिंग करी है, तो आप देख सकते हो कोई घोच पोच नहीं है, कोई नीचे का ड्रामा नहीं है, सारी सेटिंग भी यहीं से हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो बस आपको नीचे करना है और तरीके से सारा सेट करना है। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखता हूँ दोस्तों मैं, तो तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। तो वायरिंग ये है, पावर केबल, हमारे स्पीकर वायर, तो उसके अंदर भी मैंने स्लीव्स डाली है। अगर ये गाड़ी अनइंस्टॉल होती है और किसी और गाड़ी के अंदर लगाना है, आपको सिर्फ दोनों वायर को हटाना है, कोई गुलजन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ ये हटानी है और दूसरी गाड़ी के अंदर लगा देना है, और इस तरीके से सेटअप जो होता है उसके अंदर फिट कर देना। अब बारी आ जाती है हमारी साउंड सिस्टम की, कैसा क्या बजने वाला है, चलो देखते हैं। गोकू भाई से पूछ लेते हैं, सॉरी यार, तो भाई ने गोकू बना रखा है, अंदर भी है भाई, अंदर भी है गोकू के पक्के पहले, यहाँ पर भी बना रखा है उस साइड पे, उस साइड पे, उस साइड पे। अरे भाई ये भी दिखा देते हैं, गोकू कर रखी है गोकू, तो गोकू से फेमस है ये गाड़ी। तो भैया कैसा लगा? भैया काम एक नंबर लगा। ओके, इतना क्लीन सिस्टम हुआ है, जैसे वायरिंग आपने क्लीन की है, पहले भी थोड़ा कम था, वायरिंग थोड़ी बिगड़ी हुई थी, बट अब जो हुआ है पूरा डिसेंट काम हुआ, पूरा क्लीन काम हुआ है, मजा आ गए। ऊपर से साउंड जो बज रहा है एक नंबर है भैया, एक नंबर साउंड है, ऑडियो क्वालिटी हो गई अपनी, वोकल्स हो गए, बेस हो गया, भड़बड़ हो रहा पूरा अंदर, मजा आ गया। भड़बड़ नहीं हो रहा, अच्छा बज रहा है, अभी तरह वहाँ भी नहीं हुआ भाई का ये। कैसा बजा? बढ़िया भाई, हम तो एक बार ही आए थे अपनी गाड़ी लेकर, उसके बाद तो आए जा रहे, लगा रहे जा रहे, बार बार आना जाना। बढ़िया, अभी ना दोस्तों ब्रेकिंग नहीं हुआ है, थोड़ा सा ब्रेकिंग हो जाएगा तो साउंड क्वालिटी है बेस की और बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली गेंद छेड़ने की मेरे को जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइट है, जब ये ढीला हो जाएगा तो अपने आप ही गेंद हो जाएगा। बाकी काम आप देख सकते हो सारा, जीरो टू जीरो तो नहीं बोलूँगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से ठीक है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू, अपनी गाड़ी में करवा रखा है, एक नंबर हो रखा है, उसमें भी एक नंबर हो रखा है, भाई की भाई हमारे और सारे भाई और आप जैसे भाई आते रहेंगे, इसको और ज्यादा अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल भाई ने अलॉय व्हील्स वगैरह भी सारी चीज बहुत बढ़िया डिसेंट गाड़ी बना रखी है, मजेदार, मजा आता है ऐसी गाड़ियों को देखने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप आ सकते हो रेडार ऑडियो, तो मिलते हैं सून नेक्स्ट, देखते हैं कौन सी वीडियो होने वाली, क्या पता तुम्हारी गाड़ी से रिलेटेड वीडियो, क्या पता आपकी ही गाड़ी मेरे पास आ रही है और आप वीडियो के अंदर आ रहे हो। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव।